अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक मीठी चीज़ की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत आसान भी है, जल्दी से बन जाने वाली भी है और ईद के लिए बहुत ज़्यादा, ये जो ईद पे बहुत ज़्यादा खाई भी जाती है वो बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है। ये सूजी की सेवइयां हैं, ये आप देख सकते हैं, आप किसी की भी खरीद के बना सकते हैं, किसी भी कंपनी की। तो हमारे यहाँ से ये वाली मिलती है। ये मेरी अम्मी मुझे तरीका साथ साथ बता रही थी कैसे बनते हैं, क्योंकि मुझे मीठे का इतना शौक़ जो नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और तकरीबन हाफ पैकेट ये इसमें ऐड किया था सेवियों का ना, और हाफ के जी ही वो बिल्क ऐड किया था। इसमें आप 2 टेबल स्पून देसी का ऐड करके बनाई, बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करनी है आपने इसको। आपने बिल्कुल लाइट ब्राउन करना, आंच थोड़ी हल्की कर देनी, ये अभी थोड़ी हल्की कर लेंगी अम्मी, वैसे आपने थोड़ी हल्की कर देनी है। मुझे कह रही थी तुम खुद बनाओ ना, इसमें ये तुम्हें आए भी बनानी, तो मैं खुद बनाने लग गई थी, वो मेरे पास ही खड़ी भी थी। और देखें इसका थोड़ा सा भी खुशबू भी आ रही थी, कलर भी थोड़ा लाइट होने लग गया था, और फिर उसके बाद अभी आप देखेंगे ये बहुत मज़े की बनती है, मेरे अब्बू की सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसमें आप इलायची और बादाम और पिस्ता जो भी हो, नट्स वगैरह, इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने 1/2 kg मिल्क ऐड कर लिया था। इलायची हमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है इन चीज़ों में, तो इसलिए हमने ऐड नहीं की। इसका हमने बॉयल आने तक वेट करना है, और ये बिल्कुल जल्दी से इसके अंदर पकने लग जाएगी ना, जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी तो तभी हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी तकरीबन जो 1 कप, मैं चेक करने लगी हूँ आपको दिखाने के लिए भी कि सॉफ्ट हो चुकी हैं कि नहीं। लेकिन कि थोड़ा सा इनकी शक्ल भी तब्दील हो गई, अब थोड़ी मोटी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल, ये टूट रही है आसानी से, बस ये बन के तैयार होने वाली है। अब इसके तो मैं चीनी ऐड करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, और इंस्टाग्राम का मेरा चैनल उसको भी ज़रूर फॉलो किया करें। लास्ट में इसको मैं आपको बताऊँगी, ये जो मेरे पास बादाम थे और गिरी पड़ी हुई थी कोकोनट जो सा होता है ना वो पड़ा हुआ था, तो मैं इसके अंदर वो ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और जल्दी से बन जाती है, मुझे इसको खा के ना अपना बचपन भी याद आता है, क्योंकि मैं बचपन से ही, पहले लोग देसी खाने खाते थे, देसी तरीके से खाने बनते थे, तो वैरायटीज आ गई हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो जब इसको जब भी टेस्ट करती हूँ तो ईद की भी याद आती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।